नमस्कार, मैं हूं मानव डोभाल और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। सितारगंज में गेहूं की फसल भीषण आग की चपेट में आ गई। आग इतनी तेज थी कि गेहूं के साथ साथ आग जंगल में भी फैलने लगी। बताया जा रहा है कि तेज हवाओं के चलते अचानक आग लग जाने से दर्जनों एकड़ गेहूं जलकर राख हो गया, जिसे देखते हुए किसानों का कहना है कि आग लग जाने से करीब 4 से 5 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है। वहीं किसानों द्वारा बताया गया कि आग लगने पर दमकल विभाग को भी सूचना दी गई, लेकिन उनकी तरफ से कोई गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से किसानों ने अपनी सूझबूझ से अपने ट्रैक्टरों से खेत जोतकर आग पर काबू पाया। वहीं नुकसान को देखते हुए किसानों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। सितारगंज से संवाददाता चरण सिंह सराय की ये रिपोर्ट। चिंता बाद में आई है, आई कहाँ है, कम से कम 10 कॉल है, तो अभी कहाँ है, क्या नहीं है, मशीन में पता ही नहीं है, फोन करते हुए पता नहीं क्या होता, 10 खड़ी जगह नहीं चली, तो मशीन आए वहीं कंट्रोल हो जाता, इतना नुकसान नहीं होता जितना कि 15 मिनट करा है। जानबूझ के लोग नहीं आए, जानबूझ के लोग नहीं आए, बिल्कुल ट्रैक्टर द्वारा और इंसान हाथ हाथ हाँ हाँ ट्रैक्टर द्वारा शुरू से जब आग लगी अभी से फोन किया है, अभी तक कोई भी नहीं आया। 10-15 एकड़ जो जल कर खाक हो गया, अभी तक कोई भी नहीं आया, अभी भी आग जल रही, बड़ी मुश्किल से बुझा रहे हैं, 3-4 ट्रैक्टर लगा के। कोई हानि तो नहीं हो गई इसमें, मतलब कुछ जला वाला तो नहीं है, कोई ऐसा जला वाला नहीं है, कि आग फसल ही खत्म हुई है, फसल ही खत्म हुई है, किसी ने आग ही लगा दी, ये क्या नाम है, बीज गेहूँ में से लगी है आग, 3-4 लाख रुपए का नुकसान हो गया।